जब आप के संबंधों में, रिश्तों में, बीच में कोई महिला आ जाए, कोई स्त्री की वजह से आपके दिल की धड़कन रुक जाए, आपके रिश्तों में जहर घोलने का काम कोई दूसरी स्त्री कर रही हो। आज का एपिसोड स्त्रियों के लिए है, इसलिए खास तौर पर बताऊं कि अगर आपके रिश्तों को आपकी सास, आपकी ननद या आपकी कोई सहेली या कोई अनदर महिला आपके घरौंदे को लूट रही है, बर्बाद कर रही है, या आपकी ही अपनी बहू की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, या आपकी सास ननद के चक्कर में सब खराब हो रहा है, पक्ष दोनों तरफ है, पर दोनों तरफ जहां पर भी कमी है उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारा आपको रोना, बिलखना, परेशान होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना या बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की नीड नहीं है। ये सारा कुछ बहुत आसानी से, बड़ी इजी तरीके से, जो तुम आटा गूंधते हो उसमें ये चीज मिला दो सिर्फ, उसके बाद देखो आपके घर में क्या चमत्कार होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लबिद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, लबिद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, लबिद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लबिद एस्ट्रोलॉजी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर हाल में आपको प्यार में जिताया जाता है। रिश्ते खराब हो रहे हो तो भी, परिस्थितियां बिगड़ रही हो तो भी, संबंधों को मधुर बनाना हो तो भी, और घर परिवार बचाए रखना हो तो भी। हम पिछले 20 सालों से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, कुछ टाइम से YouTube पर भी इस यात्रा को शुरू कर किया गया है। टोटल मिलाकर 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। जो तुम अनाज खाते हो, जो आटा आपके यहाँ गूंधा जा रहा है, उसमें क्या मिलाया जाए, इससे कुछ होता है क्या? अगर वास्तु की दृष्टि से रात का गूंधा हुआ आटा रखना अच्छा नहीं मानते, अगर रात का गूंधा हुआ भोजन ठीक नहीं माना जाता, तो इसका मतलब आटे से कोई तो संबंध है। शास्त्र कहता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मन पर अधिकार चाहिए ना, मन विचलित होता है, मन बेचैन होता है, मन अशांत होता है, मन रिश्तों को बिगाड़ता है, और मन में ही तो सब कुछ है, मन ही तो बिगड़ रहा है। हाँ, मन का सीधा कनेक्शन तुम्हारे दिल से है। जो तुम अनाज खाते हो उसका असर आपके दिल पर होता है। कहते ना, दिल के लिए रास्ता पेट से होकर के जाता है। हर व्यक्ति पर आपका अधिकार होगा, हर व्यक्ति तुम्हारे हिसाब से चिंतन करना शुरू कर देगा, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा परिवार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। जो तुम चाहोगे, जैसा चाहोगे, तुम सकारात्मक हो तो सच मानना, तुम्हारे जीवन में प्रेम बहुत बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। विश्लेषण बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिएगा, एक अनुभव ले लेते हैं पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। हे गुरुदेव, मैं आपको कितना थैंक यू बोलूं, आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम हो गया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सफलता ही पा रही हूँ, मैं हर संकट से भी बच रही हूँ, आपकी वजह से कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। मेरा डर इतना बड़ा था गुरुदेव कि मैं किसी से बता नहीं सकती रही, मैं अंदर अंदर इतना रोती रही, किसी से बात भी नहीं करती रही, ना घर में बोल पा रही थी, ना किसी और से बोल पा रही थी।
लेकिन आपकी वजह से गुरुदेव मेरा काम हो गया। मैं आज इतनी खुश हूँ, इतना हंसने लगी हूँ कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 3 महीने पहले क्या थी और क्या हो गई हूँ। आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छापूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छापूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम झांसी रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए 22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार। आज मैं कह रहा हूं कि आटा गूंदते समय ये चीज डाल दो, फिर जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा बनने लग जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। एक तो ज्यादातर घरों में देखा गया है कि आटा गूंदते समय मंतव्य बड़े नॉर्मल फटाफट करना होता है। आटा गूंदते समय बहुत प्यार रखने की कोशिश करिएगा, ये वास्तु भी कहता है। आटा गूंद कर रात में नहीं रखिएगा। आटे में जब तुम पानी मिला देते हो ना, तो समझो प्रकृति को आदेश दे देते हो कुछ बनने के लिए। जब तक वो पिसा रखा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम पानी मिला देते हो, वैसे ही उसमें एक तत्व और मिश्रित करके आप कुछ उसे बनाने के लिए प्रेरित कर देते हो और फिर वही रोक देते हो, तो वो शक्तियां और एनर्जियां गलत दिशा में काम करने लग जाती हैं। तो पहला तो ये बंद कर दो। आटा गूंथते समय बहुत प्यार से गूंथो। उस समय अपनी मानसिकता, अपना दिमाग, अपना बुद्धि बहुत स्थिर रखने की कोशिश करो। और करना पता क्या है, बहुत छोटा सा काम है। आटा निकालते समय जिस समय तुम आटा गूंथने का मन बनाओ, बस उसी समय कुछ थोड़े से दाने काले तिल के अपने मुंह में रख लो। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, दुनिया में काला तिल ही ऐसा है जिसको अगर सिर्फ आप मुंह में रख लें और दबा के रखें तो गीला नहीं होता। करके देखिए, आश्चर्य है उसे। दबा के रखिएगा, हिलने मत दीजिएगा उसे कैसे। और जब आटा आप गूंद रहे हो तो मुंह खोल के बिना थूक ये जितने भी दाने गिर जाए वो उसमें मिला देंगे, बाकी बाहर थोकर दीजिएगा। अब देखो, अगर वो महिला तुम्हारे घर के रहने वाली है तो खिला के काम चलेगा, और अगर वो महिला बाहर है कोई जिसके ऊपर तुम अपना अधिकार बनाना चाहते हो या तुम चाहते हो तुम्हारे पति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाए, तो अपने पति को खिलाओ ना, तो भी काम चल सकता है। इसी रोटी को बनाने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारकर कुत्ते को खिलाने से भी बुरे लोग दूर हो जाते हैं। इसी रोटी को अपने ऊपर से उतारकर कहीं सुनसान जगह में डालने से बुरी शक्तियां समाप्त होती हैं। इसी रोटी को अपने ऊपर से उतार करके कहीं जलाशय में डालने से, पानी में डालने से जितने भी प्रकार के दोष होते हैं विवाह के, वो समाप्त होते हैं। इसी रोटी को अपने ऊपर से उतार करके किसी गरीब को पूरे सालन के साथ, सब्जी दाल के साथ अगर खिलाया जाए, तो कहते हैं आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है और आपस के द्वंद और झगड़े समाप्त हो जाते हैं, प्यार बढ़ने लग जाता है। ये उपाय मंगलवार को करने से बहुत लाभ होता है। तो करें ये उपाय मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, पैसों का आदान प्रदान करना और रिश्तों में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखना, ये सब बंद करना होगा। ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली जीत जाएंगे। छोड़कर जा रहा हूं अपने सीधे के साथ। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छापूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छापूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम झांसी रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए 22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार।
श्री सदगुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।